भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का एहसास करा दिया। परमाणु बम दागने की क्षमता रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर है, जिसका मतलब इसकी जद में आधी दुनिया आ गई। यही वजह है कि अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एमआईआरवी तकनीक वाली अग्नि 5 मिसाइल के पहले परीक्षण मिशन दिव्यास्त के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। लेकिन बड़ी और खास बात यह है कि भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट में महिलाओं का महत्वपूर्ण बेहद योगदान है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर भी एक महिला है, जिनका नाम डॉक्टर टेसी थॉमस है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने 1985 में कालीकट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड गाइडेड मिसाइल में एमटेक किया। 1988 में वो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। टेसी थॉमस ने शुरू से ही अग्नि मिसाइल के डिजाइन और विकास पर काम किया। बताया जाता है कि उन्हें अग्नि परियोजना के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नियुक्त किया था। डॉक्टर टेसी थॉमस अग्नि 4 और अग्नि 5 प्रोजेक्ट की डायरेक्टर रही हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस ने देश की सुरक्षा में योगदान के लिए मिसाइलों की तकनीक विकसित करने में मदद की है। डॉक्टर टेसी बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। डीआरडीओ में मिसाइल गाइडेंस सिमुलेशन और मिशन डिजाइन में उनका अहम योगदान है, और इसीलिए उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल रॉकेट बम बारूद, ये वो शब्द हैं जिन्हें पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन टेसी थॉमस ने अपनी मेहनत लगन और जुझारूपन से ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हैं। देश को अग्नि जैसी एडवांस और घातक मिसाइल देने वाली टेसी थॉमस उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो उन क्षेत्रों में काम करना चाहती हैं जहां पुरुषों का दबदबा माना जाता है। मार्च 2024 ओडिशा में मौजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर अग्नि 5 मिसाइल आसमान को चीरते हुए उड़ी और 5000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। इस दौरान भारत की आसमान छूती कामयाबी को गर्व से टेसी थॉमस देख रही थी। ये पल बरसों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस कामयाबी के साथ भारत उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस परमाणु मिसाइल है। टेसी थॉमस को गर्व है कि उन्होंने अपने गुरु और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा किया। वो देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को न केवल संभाला बल्कि उसे सफलता भी दिलाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट में पहली बार काम करने का मौका दिया था। When I joined, Dr. APJ Abdul Kalam was the director of the lab, then lab DRDL. And he is the one person who has always given us an opportunity to learn. So that is the openness with which he shares, calls for the meeting and shares the knowledge to the junior most person. पूरा देश उन्हें यूं ही अग्निपुत्री या मिसाइल वुमेन नहीं कहता। ये कामयाबी ऐसे सपने के सच होने की कहानी भी है जिसे टेसी ने बचपन में देखा था। उनका जन्म अप्रैल 1963 में केरल के अलापुझा में हुआ था। टेसी जब कालीकट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी तब उनके मन में आईएएस बनने का भी ख्वाब था, लेकिन उसी दौरान पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ ने मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम में एमटेक के लिए सिर्फ 10 छात्रों को स्पॉन्सर्ड करने का ऐलान किया। टेसी ने इसके लिए लिखित परीक्षा दी और बीटेक के रिजल्ट से पहले ही उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। इसके बाद तो टेसी थॉमस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेसी बताती हैं कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो महिला हैं और मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। Science doesn't know the gender. Science has no gender, I have been saying, and it's the knowledge base, and we do share the knowledge. It's always we learn from others, and then it's a collective effort of many scientists put together, which we realize into systems, and that is how it gets proven. टेसी थॉमस 36 सालों से भारत की मिसाइलों पर काम कर रही हैं। टेसी ने अग्नि लॉन्ग रेंज गाइडेड स्कीम को कामयाबी के साथ डिजाइन किया। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोग्राम था। उनके साथ अग्नि 5 प्रोजेक्ट पर देश के सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी। बिना रुके बिना थके वो लगातार काम करते रहे और हर कदम पर टेसी थॉमस उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही, उन्हें गाइड करती रही। इस दौरान कई बार नाकामियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो घबराई नहीं, नाकामियों से उन्होंने सीखा। First time developing technologies, they may we do
encounter with failures. That's part of science learning. So then once we understand what has gone wrong, and then it is a corrective measures, and then further again we don't get any more failures. आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत के 15 सालों तक टेसी ने अपने जानने वालों को ये तक नहीं बताया था कि वो डीआरडीओ में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। देश का मिसाइल प्रोजेक्ट, वो भी अग्नि मिसाइल, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में काम करने वालों को गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यही वजह है कि टेसी थॉमस अपने दोस्तों और कई रिश्तेदारों से कट गई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। Support for me from my husband and my son and my parents, family, all my relatives. It's a total support. साल 2012 में पहली बार 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भी टेसी थॉमस के नेतृत्व में ही हुआ था। डॉक्टर टेसी थॉमस को डीआरडीओ की तरफ से कई बार सम्मानित किया गया, उन्हें अग्नि अवार्ड भी दिया गया। मिसाइल के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2022 में उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यकीनन टेसी थॉमस का मिसाइल वुमन बनने का सफर महिलाओं के लिए प्रेरणा की खान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली सफल टेस्टिंग की है। 5000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान ही नहीं पूरा चीन भारत की जद में आ गया है। अग्नि 5 की रेंज में करीब करीब पूरा एशिया, चीन का आखिरी उत्तरी क्षेत्र और यूरोप के भी कुछ हिस्से आ गए हैं। अग्नि मिसाइल भारत के पास साल 1990 से है और वक्त के साथ साथ इसके नए और एडवांस्ड रूप सामने आते रहे हैं। अग्नि 5 का साल 2012 के बाद कई बार सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर से शुरू होती है और अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर तक पहुंचती है। अग्नि 5 MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। इस तकनीक के जरिए एक मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। MIRV तकनीक से लैस मिसाइलें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। इन मिसाइलों को जमीन या समुन्द्र में पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 में 1.5 टन परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा रफ्तार है इस मिसाइल की।